हदीस नंबर 6204। अबुल अला अहवस कहते हैं, जब हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो मैं हज़रत अबू मूसा और हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हाजिर हुआ। उनमें से एक ने दूसरे से पूछा, क्या तुम्हारे ख्याल में हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद कोई शख्स उन जैसा है? दूसरे ने कहा, तुम ये बात पूछते हो, उन्हें उस वक्त भी इजाज़त होती थी जब हम से पर्दा होता था और वो उस वक्त भी बारगाह नबवी में शर्फ बाज़याबी हासिल करते थे जब हम गायब होते थे। हदीस नंबर 6205। हज़रत अबू अल अहवस फरमाते हैं, हम हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के चंद अस्हाब के हमराह कुरान मजीद का एक नुस्खा देख रहे थे। उसी दौरान हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए तो हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, मैं नहीं जानता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद इस खड़े शख्स से ज़्यादा कोई आलिम कुरान छोड़ा हो। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब तुम ये बात कहते हो तो उसकी वजह यह है कि वो उस वक्त भी बारगाह नबवी में हाजिर होते थे जब हम गायब होते थे और उनको इजाज़त होती थी जब हमें इजाज़त नहीं होती थी। हदीस नंबर 6206। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की दो सनदें बयान की हैं।